आज हम आइकन वैल्यू और आइकन वेक्टर की को डिस्कस करेंगे। अब ये आइकन वैल्यू और आइकन वेक्टर जो है ये हमारे फेज डायग्राम के अंदर हम इसको यूटिलाइज करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 19 के अंदर हम यूज़ करेंगे। उसमें हमें जनरल इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी और फिर हमें उसकी क्लासिफिकेशन बतानी पड़ेगी, सैडल पॉइंट, अनस्टेबल और स्टेबल कंडीशन। तो उन सब को करने से पहले हमें सबसे पहले आइकन वैल्यू और आइकन वेक्टर का आना बहुत ज़रूरी है। अब हम सबसे पहले ये 2x2 का कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3x3 का आइकन वैल्यू और आइकन वेक्टर भी निकालेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले ये मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको लेट कर लेते हैं, ए के इक्वल है, 2x2 वेक्टर दिया हुआ है। आइकन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये फाइंड करना पड़ता है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। ये हमें आइकन वैल्यू के लिए हमें ये फाइंड करना पड़ता है, यानी हमें आइकन वैल्यू के लिए ये निकालना पड़ेगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमें आइकन वेक्टर जब निकालेंगे तो हमें करना पड़ेगा ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू जीरो। तो हमें ये दो कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा तो हमें आइकन वैल्यू और आइकन वेक्टर हमारे पास फाइंड आउट हो जाए। अब इसको फाइंड करने के लिए ए हमारे पास गिवन है और आई जो होता है वो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 1 0 0 1 के इक्वल होता है, ये भी हमारा हम 2x2 भी लेंगे। तो सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई, ए मेरे पास 1 1 -2 4 माइनस लैम्डा और आई की वैल्यू 1 0 0 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 -2 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा, और 1 को 0 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ -2 आ जाएगा और ये 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया जी, ए माइनस लैम्डा आई। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए माइनस लैम्डा आई का, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 4 माइनस लैम्डा, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। देखिए जी, हम जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या मेरे पास आएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू -2। तो ये सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास जो है एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, और वो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो आएगी दैट इज इक्वल टू 4, इसको जब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर प्लस 2। तो ये मेरे पास आ गया लैम्डा स्केयर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, ठीक है जी। अब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो ये मेरे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इसके रूट्स निकाल लेंगे, फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा स्केयर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम फैक्टर निकाल लेंगे, लैम्डा लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे लैम्डा माइनस 3, तो ये मेरे पास आ गया लैम्डा माइनस 2 आ गया और लैम्डा माइनस 3 आ गया। तो यहाँ से इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 आ गया और यहाँ पे लैम्डा क्या आ गया, 3। और ये 2 और ये 3 जो है ये क्या कहलाएंगी, ये बेसिकली आइकन वैल्यूज कहलाएंगी, ठीक है जी। ये था हमारा पहला स्टेप जो हमने इसको इवेल्युएट कर लिया कि आइकन वैल्यूज क्या होती है। अब हमने आइकन वेक्टर निकालना है। देखिए, हमारे पास लैम्डा के दो आंसर आए, एक लैम्डा 2 आया और एक लैम्डा 3 आया, ठीक है जी। अब हम ये करते हैं कि ये जो आइकन वेक्टर निकालने के लिए, आइकन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी ए माइनस लैम्डा आई, और ए माइनस लैम्डा आई ये हमने इवेल्युएट किया हुआ है। अच्छा, अब हम
लैम्डा की जगह पहले हम ले लेंगे केस वन में, केस वन के अंदर व्हेन लैम्डा जो है वो हमारे पास टू आएगा, व्हेन लैम्डा जो है वो टू आ देगा, तो लैम्डा टू होने से फिर हाँ अब हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वन माइनस टू लैम्डा की जगह हम पुट कर देंगे, वन माइनस टू फोर माइनस टू, तो ये मेरे पास आ गया जी माइनस वन वन माइनस टू और टू, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, वी, और लेट कर लेते हैं वी जो है दैट इज इक्वल टू एक्स वन एक्स वाई एक्स टू, हम इसको ले एक्स वन एक्स टू। अब हम इसको सेट इक्वल टू जीरो करते हैं और फिर इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि आइगन वेक्टर की वैल्यूज क्या आ रही हैं। जी यहाँ पे देखें हमारे पास माइनस वन वन माइनस टू टू और वी की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स वन एक्स टू और इक्वल टू हम रख देंगे जीरो। अब ये मेरे पास जो मैट्रिक्स आया है माइनस वन माइनस टू और टू, इसको हम रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस जो है वो एचिलन फॉर्म की शक्ल में करेंगे, तो ये माइनस वन वन माइनस टू टू, और इसको हम रिड्यूस एचिलन की फॉर्म में हम करेंगे और रो ऑपरेशन के ज़रिए हम करेंगे कि रो के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे माइनस वन है, तो मैं क्या करूँगा इस पूरी रो को, मैं इसको टू से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा माइनस टू, और माइनस टू मैं इसमें माइनस कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ ठीक है, तो ये मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया माइनस वन, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरह से मैं टू से माइनस मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा, तो ये देखें ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको जब हम लिखेंगे हमने इसको रिड्यूस फॉर्म में किया तो ये मेरे पास आ गया माइनस वन वन ज़ीरो ज़ीरो और ये आ गया जी एक्स वन एक्स टू और ज़ीरो ज़ीरो, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स टू किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वन के बराबर आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास आइकन वेक्टर क्या आ गया, आइकन वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा जी वन वन मेरे पास वेक्टर आ जाएगा ठीक है, इसका कोफिशेंट भी वन और इसका कोफिशेंट भी वन है, तो इसलिए ये आइकन वेक्टर जो है मेरे पास क्या आ गया वन आ गया। अब ये तो था जब हमने लैम्डा की वैल्यू जो थी वो हमने टू ली थी जी, अब हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो है थ्री पुट करते हैं ठीक है, अब दोबारा इसी में पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा वन माइनस थ्री वन माइनस टू और फोर माइनस थ्री, ये देखिए ये लैम्डा की वैल्यू तो अगेन मैंने इसमें पुट कर दी, ये मेरे पास केस टू आ गई, तो मेरे पास क्या आ गया माइनस टू वन माइनस टू वन, तो ये मेरे पास आ गया जी ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इवेल्युएट क्या करना है, हमने ये चीज़ अब ये सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है, और हमारे पास हमने लेट वी को लेट कर लेते हैं वाई वन वाई टू, कि वी जो है वो वाई वन वाई टू के इक्वल है, तो फिर मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू वन माइनस टू वन और v की जगह क्या आ जाएगा वाई वन वाई टू और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जीरो जीरो आ जाएगा हमारे पास। अब दोबारा अगेन ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या करेंगे, हम इसको रिड्यूस करेंगे एचिलन की फॉर्म में रो ऑपरेशन को यूज़ करते हैं, सो माइनस टू वन माइनस टू वन ठीक है जी, अब इसको हम रिड्यूस करते हैं क्या करना जी, ये माइनस टू वन वैसे ही आ गया, इसको ज़ीरो बनाना है, हमने इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस टू में से ये माइनस टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वन में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरे पास ज़ीरो ज़ीरो फॉर्म आ जाएगी ठीक है जी। तो ये देखें ये मेरे पास कंडीशन आ गई माइनस टू वन ज़ीरो ज़ीरो और क्या आ गया वाई वन वाई टू और ये आ गया ज़ीरो ज़ीरो, तो अब ये चीज़ जो है हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस टू वाई वन प्लस वाई टू इक्वल टू ज़ीरो ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं वाई टू इक्वल टू टू वाई वन।
हमारे पास यू आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वाई वन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वाई वन की वैल्यू जो है वो वन ले लेता हूँ, ठीक है, तो वाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास टू हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास आइकन वेक्टर जो है वो क्या इवेल्युएट हो जाएगा, वाई वन की वैल्यू वन ले ली तो वाई टू की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, टू। तो ये तो थे आइकन वैल्यू और आइकन वेक्टर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको जो चैप्टर 19 है उसके अंदर फेज़ डायग्राम के ज़रिए हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे और ग्राफिकली कैसे देखेंगे कि उसका सैडल पॉइंट, स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशंस कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। अब हम जो है अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है आइकन वैल्यू और आइकन वेक्टर पे पूरा डिटेल के साथ। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताने लगा हूँ कि इसको हम डायरेक्टली कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी देखें, ये क्वेश्चन लिया था और आंसर हमारे पास ये दो आए थे, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री। आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लेनी है, ये फर्स्ट वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, यानी केस वन के अंदर, केस वन के अंदर ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू क्या आ गया, माइनस माइनस वन आ गया, ठीक है। तो हम माइनस वन को लिख सकते हैं, माइनस वन को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स वन, और ये जो साथ इसके दिया हुआ ये वन दैट इज प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन गया, एक्स वन प्लस इक्वल टू एक्स टू। तो मेरे पास आइकन वैक्टर क्या आ गया, आइकन वैक्टर क्या आ गया जी, फिर वन वन आ गया। और यही हमने निकाला था केस के अंदर, जब लैम्डा टू लिया था तो यही आंसर आया था वन वन। अब हम दूसरे केस में देखते हैं, केस टू के अंदर देखते हैं। देखिए लैम्डा की वैल्यू हमारे पास थ्री है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगेन वन है, वन में से थ्री करेंगे यानी वन माइनस थ्री दिस वैल्यू, सो क्या आ गया माइनस टू। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस टू एक्स वन और इसको लिख देंगे प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गया, एक्स टू इक्वल टू क्या आ गया, टू एक्स वन, एक्स वन क्या आ गया प्लस टू एक्स वन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं एक्स वन की वैल्यू वन ले लूँ तो एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो टू आ जाएगी। तो ये मेरे पास आइकन वेक्टर आ गया। ये देखिए वही आइकन वेक्टर आए हैं जो हमने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व की, सेम वही आंसर आया। अब हम कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए फिर हम इस शॉर्ट मेथड के जरिए देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास वही आते हैं जो हमारे आने चाहिए। तो हम इस शॉर्ट मेथड को एक और क्वेश्चन के जरिए, एग्जांपल के जरिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन गिवन है जी, मेरे पास वेक्टर है एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ए टू टू और थ्री वन, ठीक है। और अगर हम इसको इवेल्युएट करें यानी आइकन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आइकन वैल्यू मेरे पास आएगी लैम्डा की वैल्यू माइनस वन और लैम्डा की वैल्यू आएगी फोर, ठीक है जी। तो मैं इसको शॉर्ट मेथड के जरिए यहाँ पे देखें, अब ये क्या आ रहा है, ये टू आया अब केस वन के अंदर, यानी लैम्डा जब माइनस वन लेना है, लैम्डा जो है वो क्या है माइनस वन, ये माइनस दिस वैल्यू तो क्या हो गया, ये थ्री हो गया। तो हम इसको लिखेंगे थ्री एक्स वन प्लस दिस वैल्यू टू एक्स टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या आ गया, थ्री एक्स वन इक्वल टू माइनस टू एक्स टू। तो यहाँ से हम डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज जो हैं वो उसकी इजीली इवॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह का ये आंसर आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ से आप आइकन वैल्यू वेक्टर्स जो है वो सिंपल निकाल सकते हैं। केस टू के अंदर देखें आप, अगेन आप क्या करेंगे कि फोर लैम्डा की वैल्यू कितनी है फोर, तो मैं क्या करूँगा टू माइनस फोर तो क्या आएगा माइनस टू, तो माइनस टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू जीरो, सो एक्स वन
इक्वल टू क्या आ गया एक्स टू, तो ये वाला क्या आ गया वन वन आ गया, इसका आंसर तो आइकन वेक्टर जो है वो हमारे पास है वन वन आ गया। और अगर इसका मैं आइकन वेक्टर निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस टू और थ्री, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्ट मेथड हैं कि जिसके ज़रिए हम इजीली इनको इवेलुएट कर सकते हैं।